स्टार्ट हो गई हमारी कल्टस, निकालो भाई निकाल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं 122 साल पुरानी पुल ब्रिज, वो आपके साथ शेयर करेंगे उसके सीन्स। और हमारा आज मूड भी बन गया है कि हम जाएंगे वहां पर और जो है वीडियोस बनाएंगे टिकटॉक के लिए भी, और फोटोग्राफी भी करेंगे इंस्टाग्राम के लिए। और मेरे जो फोटोज हैं वो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और हमारे साथ चल रहे हैं सलमान भाई। हाँ तो सलमान भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हो? तो तैयारी पक्की, अब हम वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर फोटोग्राफी भी करनी है, तो जो ट्रेन की सर्विस है स्टेशन उस पर फोटोग्राफी भी करेंगे। तो अभी चलो चलते हैं। और इरफान को भी मैंने बोल दिया है कि वो तैयार होके रेडी हो जाए, तो उसको भी हम पिक करेंगे और फिर चलेंगे। चलो गाड़ी, हाँ गाड़ी को निकालो भाई, गाड़ी को। तो भाई ये है हमारी गाड़ी, हमने दोनों ने जो है फेसबुक की अर्निंग से लिए, कल्टस न्यू है भाई ब्रांड। तो निकालो भाई इसको, कहाँ गए सलमान? लग रहा है ये इसको थोड़ी मेली हो गई है, इसको जो है कपड़ा वपड़ा लगाएगा तो फिर निकालेगा और चलेंगे हम। तो बने रहिए हमारे साथ, और जिस जिसने भी हमारा चैनल लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर प्लीज़ कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जैसे मेरे नए नए व्लॉग्स आ सकें और आप देख सकें। तो अभी गाड़ी को वो निकाल रहा है भाई, जल्दी निकालो, क्या हुआ स्टार्ट नहीं हो रही क्या? स्टार्ट करो जानू, स्टार्ट हो गई हमारी कल्टस, निकालो भाई नहीं 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 सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। निकालो निकालो, हाँ रिवर्स में लेके आओ, रिवर्स। आ गई भाई हमारी गाड़ी मजा आया। तो भाई हम आगे चलते हैं और हमारी कल्टस भी आ गई है, तो आगे जाके दोस्त को उठाना है और फिर चलते हैं। चलो चलो, अभी हम यहाँ पर रास्ते में रुके हैं और यहाँ पर पिक्स निकालेंगे, थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, आप देख सकते हैं क्या ही मौसम है, वाह भी वाह वाह वाह। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद चलेंगे भाई। वहाँ पर हम फोटोग्राफी करके अभी निकले थे, तो रास्ते में ही तेल ख़त्म हो गया, जो दोस्त है वो भी हमारा निकल आया है, उसी के ही मोहल्ले में ही तेल ख़त्म हुआ है। तो भाई अभी तेल भरवा के यहाँ पर आए, और जो हमारा दोस्त है वो भी अभी आ चुका है, तो अभी हम चलेंगे। जल्दी करो, आओ यार, मौसम ख़राब हो जाएगी, कल की तरह हो जाए ना बारिश, आ जाने। तो भाई कल का हमारा यही प्रोग्राम था, लेकिन कल हो गई थी बारिश, मौसम भी अभी भी ख़राब है, तो अभी चलते हैं। अभी ये भी आया इरफान भाई, चलो चलें। तो भाई अभी हम यहाँ पर आए हैं केबिन पर, उसने माजून लिया है। हाँ भाई, नहीं क्या लिया है तुमने? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज़ का, मैं नहीं बताऊँगा। क्या छुपा रहे वो हमें पता है भाई, लाजमी है माजून यहाँ पर लेना, और पठान तो हमारे भाई लाजमी माजूर का। तो भाई फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं उस पुल पर, और ये पुल है सामने। इस पुल को 122 साल पूरे हुए हैं, बहुत ही पुरानी पुल है ये, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की पुल है, और इसके सीन्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट करके इसके सीन्स आपके साथ शेयर करते हैं।
अभी भाई हम पुल के जो है नीचे ही आए हैं, जैसे हम इसके शॉट जो है ना अच्छे अच्छे ले सकें। और ये 122 साल पुरानी पुल है और ये जो है सन 1900 में ये बनी थी और 1931 में, और ये 1931 में रिपेयर हुई थी फिर, और अभी तक ये चल रही है, अभी तक ये खड़ी हुई है। और माशाल्लाह इसको अभी तक 22 साल हो चुके हैं, 122 साल। और इस महीने में तो इसमें सिंधु दरिया में पानी नहीं होता, लेकिन बरसात की वजह से ये पानी इसमें आ गया है। और आगे जो बलूचिस्तान में केपीके में हमारे जो सूबे हैं उन्होंने जो है थोड़ी बहुत सैलाब भी आया है इस वजह से ही, और डैम भी बहुत फुल हो गए हैं उस वजह से, वो डैम जो है वो थोड़े बहुत जो है ना ओवर हो गए हैं उस वजह से यहाँ पर पानी आया है, और ये बरसात का ही पानी है। तो ये सीधा जाएगा समुंदर में। और ये जो पुल है ये कनेक्ट करती है हैदराबाद और कोटड़ी को। इस ब्रिज का नाम जो है वो कोटड़ी ब्रिज है, और इसको सिंधु दरिया बोलते हैं, सिंधु नदी। और ये जो है ट्रेन भी इसमें जाती है, और ट्रेन के साथ यहाँ पर रोड भी बने हुए हैं गाड़ियों के लिए, ट्रैफिक के लिए। अभी देखो ट्रेन भी जा रही है। अभी तक इसमें ट्रेन भी जा सकती है भाई, क्या बात है भाई, ऐसी इंजीनियरिंग हुई हुई है इसमें। और भाई इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 594 मीटर है, और बहुत ही बड़ी ब्रिज है ये। ये इंडस रिवर के ऊपर ही बनी हुई है, ये कनेक्ट करती है हैदराबाद और कोटड़ी को। और क्या ही ब्रिज है, क्या ही बनावट है इसकी, 122 साल इसको गुजर चुके हैं। और हमने यहाँ पर फोटोग्राफी भी की है, और मैं तो पहले ही यहाँ पर आया था तकरीबन 2016 में, मेरी यहाँ पर ही पिक है, वो आप देख सकते हैं। ते दरिया दे कोल खलो के मेरे सेल्फियां खिंचने केडियां सोहणियां, आहा बहुत चंगा नाम है। और यहाँ से अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे जो पुराने दौर में ट्रेन सर्विस यहाँ पर बनी हुई थी, वो खानपुर में बनी हुई है, और हम जाएंगे वहाँ पर और वहाँ के सीन्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलो चलते हैं। बदल रही है रूप जिंदगी। भाई जैसे ही हम जा रहे थे खानपुर, तो बीच में बरसात का पानी आप देख सकते हैं, कितना ही पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है यार, कैसे यहाँ से बाइक गुजारेंगे हम, अपनी जो है कल्टक्स कैसे गुजारेंगे यार, देखते हैं। वो भी भाई ये सलमान और इरफान जा रहे हैं बाइक पर, ये गुजारेंगे, मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा क्योंकि पानी बहुत है यार, कोई खड्डे वड्डे में ना गिर जाए। पानी में डुबकी लगा के आएगा इरफान? नहीं नहीं भाई, चल झूठा, हमारा तो बचा होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई, वहाँ से हम जैसे ही निकले हैं ना, इन्होंने जो इरफान है ना वहाँ से लगाई है डुबकी और यहाँ पर आके निकला है। ये देखो, कपड़े तो मेरे गीले नहीं है ना यार। तो अभी अभी सुखा है ना धूप ने तुम्हें? ये धूप है, बाकी छाव है, ये धूप है। तो भाई फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ट्रेन सर्विस पर, और ये बहुत ही पुरानी है, अभी तो बंद हो चुकी है। अभी यहाँ पर ट्रेनें भी खड़ी हुई हैं, वो भी म्यूज़ियम के लिए, ये अंग्रेज़ों की दौर की है।
यहाँ पर शूट करने आते हैं कभी कभी हम फोटो वगैरह। तो उसी ज़माने में ट्रेनें जो थी वो यहाँ पर आती थी और यहाँ पर सर्विस होके और चली जाती थी। ये जो सामने बराबर में है ये गोडाउन, इसमें जाके इनों का ऑयल चेंज होता था। तो भाई आई होप कि आपको ये जगह जो है बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करें आप अपने दोस्तों के साथ। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और फोटोग्राफी भी हो चुकी है और बहुत हम घूमे भी हैं यहाँ पर। तो अभी हम जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि अभी आज़ान आ रही है और फिर जाएंगे होटल पर। थैंक यू। हाँ तो गाइस, मैं अभी आया हूँ घर और रास्ते में मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो डेड हो गई थी, उसी वजह से जो बीच वाले सीन थे वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। और आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल जो है अभी भी चार्जिंग में लगी हुई है। और अभी मैं घर आया हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर लाजमी करो ताकि मैं नए नए व्लॉग्स बनाऊं आपके लिए और आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर घड़ी बदल रही है।